कही थी तूने, हाँ, कि तू फिर से छल ना करेगो, फिर मुझे बिना बताए घर से बाहर कैसे निकलो? क्षमा करना मैया, पर जो आपने सिखाया था मैंने तो उसी का ही पालन करो है। फिर से चतुराई कर रहे है ना? हाँ? आप ही ने तो कही थी ना, यदि कछु करने से किसी को हानि ना पहुँच रही हो या फिर किसी अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो आज्ञा लेने की आवश्यकता ना होती। यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। तो किस अच्छे कार्य के लिए आया है यहाँ? एकादशी के सुबह एकादशी का व्रत खोल के भोजन करा जाता है, ये बात ना तो भूला काका को पता थी, ना संकरी मासी को और ना ही किसी और को। और तुझे पता थी? हाँ, मेरी मैया ने बहुत अच्छे से सिखाया है मुझे। जैसे कल तूने एकादशी कथा सुनाई थी ना, आज वैसे ही तेरे लल्ला ने सबको द्वादशी कथा सुनाई है। सच्ची यशोदा रानी जी, इसने तो हमारी आंखें ही खोल दी। और भाभी, सच्ची तो ये है कि मुझे भी ना पता था कि ये इतना बड़ा ज्ञानी है और इतना अधिक समझदार। द्वादशी की कथा, वो तो मैंने इसे कभी सुनाई ही ना है, फिर इसे कैसे पता थी? रानी जी, जो स्वयं भगवान हैं, भला उन्हें कैसे कुछ नहीं पता होगा। मैंने तो इन्हें पहचान लिया, और हाँ, आप सब लोग भी इन्हें अपने अंतर मन की आंखों से देखिए, हो सकता है इन्हें पहचान पाएं। ये कोई और नहीं है, श्री नारायण है, मेरे श्री हरि, मेरे प्रभु। जे श्री हरि। बोला जिस रास्ते को मैंने इतनी कठिनाई से बचा के रखा था, सबके सामने उसे उजागर कर दिया तुमने। नारायण, जिस रास्ते को इतने जतन से संभाल के रखा था, अरे वो सबके सामने खुल गया, और तो और मेरा भेद मैया को भी पता चल गया। बाबा सब कहते रहे पर मैंने एक न मानी, सबने कही थी कि आप भगवान है, पर मैं मूर्ख आपको पहचान ही ना पाई। कितनी अभागी हूं मैं। जिस मुंह से मुझे आपकी महिमा गानी चाहिए थी, उसी मुंह से मैंने आपको डांटा है।
जिन हाथों से मुझे आपके चरण छूने चाहिए थे, उन हाथों से मैंने आपके कान पकड़े। मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए थी प्रभु, और मैंने मैंने आपको दंड दियो, आपको घर से बांध दियो। बावली हो गई थी प्रभु, अपने श्री नारायण को, अपने प्रभु को एक साधारण सा बालक समझ लियो मैंने। मैं आपके लिए भगवान नहीं हूँ मैया, साधारण बालक ही हूँ, बस आपका लल्ला। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भूल पर भूल करती चली गई, आज भी आपके पीछे पीछे छड़ी लेकर दौड़े चले आए। अपने आपको दोष मत दो मैया, आपके ममता के लिए तो जन्म लिया है मैंने, हमारा मन बदलने मत दो, मेरे लिए वही पुरानी भैया बनी रहो आप, और मुझे रहने दो आपका वही नटखट लल्ला। मुझे चबा कर दो प्रभु, मुझे चबा कर दो।